हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे यूपी पुलिस 49,568 के फाइनल रिजल्ट अपडेट की। बात करेंगे कि लिस्ट वालों का जो नाम आया हुआ है उनका मेडिकल कब होगा, ज्वाइनिंग कब कराई जाएगी, और जो लोग इसके लिए वेटिंग कर रहे हैं, पॉइंट में छटे हुए हैं, तो क्या दूसरी लिस्ट आएगी जिनसे उनका कुछ फ़ायदा होने वाला है। सटीक विश्लेषण करेंगे आपके साथ एट द रेट द एग्जाम पॉइंट के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं सबको सबको दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आप सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक किए होंगे, रिजल्ट चेक किए होंगे अपना, तो आप उसको उनमें पता होगा कि रिजल्ट में आपका जो लिस्ट आई थी उस रिजल्ट में आपका जो कट ऑफ था वो क्या दिया था। आइए चलते हैं रिजल्ट पे, उसी पे बात करते हैं। और आपको न्यूज़ ने पेपर में भी पढ़ रहे होंगे और अदर जगह पे भी आपको मिल रहा होगा कि इसके अकॉर्डिंग आपको जो न्यूज़ है, तो आपका जो मेडिकल डेट और ज्वाइनिंग की बातों में मिल रहे हैं कुछ दुविधाएँ कि आपका ट्रेनिंग सेंटर अभी खाली नहीं है, या बहुत सारी ऐसी प्रकार की अफवाहें आपको मिल रही हैं। मैं आपको सटीक विश्लेषण के साथ आपको सब कुछ समझाऊंगा कि क्या आखिर मैटर है और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक करा दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सब कुछ आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बराबर में बेल आइकन आएगा, आप उस आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो में और जानते हैं कि आज के जो वीडियो में हम जानने वाले हैं उसके बारे में, मेडिकल लिस्ट के बारे में बात कर लेंगे, ज्वाइनिंग के बारे में बात कर लेंगे, सेकेंड लिस्ट के बारे में बात कर लेंगे। इसके पहले हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको दिखाते हैं कि आपका अपडेट जो है वहाँ से आपको क्या बताया गया है। अब फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल वेबसाइट तो बतानी नहीं होगी यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। आप लगभग दिन में 2-4-5 बार तो आप इस वेबसाइट को क्लिक करके देख ही रहे होंगे कि आपका रिजल्ट अपडेट में आया था या नहीं। अभी फिलहाल में रिजल्ट आ चुका है, तो फिलहाल आपने अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा, आप अपने नाम को भी सर्च कर लिए होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको दिए गए हैं, आप वहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। जो यहाँ से सूचना विज्ञप्ति आई हुई है मैंने इसको भी डाउनलोड करके रखा है, यदि आप भी पढ़ना चाहें और अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको भी चेक करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी पहले बात कर लेता हूं, पहले आपको दिखाई देता हूं कि आपको जो इस नोटिस में आपको क्या बताई गई है। तो फिर यदि मैं बात करूंगा एक एक नोटिस में भी, एक एक पॉइंट पढ़ के सुनाऊंगा, तो वैसे हो जाएगी वीडियो लंबी। फिर आप बोलेंगे कि सभी यूट्यूबर्स के खिलाफ से आपको भी इसमें भी केवल टाइम वेस्टिंग कराया जा रहा है। तो मैं सब कुछ ना बताते हुए मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ कि इसका मेन आपको जो मुद्दा है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ उसका जो कट ऑफ आया हुआ है वो कट ऑफ क्या है। कट ऑफ आपने देखा भी होगा, तो कट ऑफ आपका जनरल की बात करते हैं तो 193.87 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है आपका 185.34, अनुसूचित का आपका आया है, मैं केवल विशेष आरक्षण को छोड़ के बात कर रहा हूँ, तो 159.30 का, अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 131.34 का है। टोटल आपका जो सीट थी पुलिस के लिए, जो सिविल पुलिस वाले हैं, 31,360 लोगों के लिए। तो सबसे पहले जिन लोगों का भी इसमें चयन हुआ है, जो लोग उस लिस्ट में नाम आया है, तो फाइनल लिस्ट है क्योंकि जितनी सीट है केवल उतने ही कैंडिडेट को पास किया गया है, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी इस चयन के लिए, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, बात करें यदि हम आपको एक ट्रस्टेड आपको न्यूज़ की, तो हिंदुस्तान.com लाइव किससे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ कि प्रदेश उत्तर प्रदेश 49,568 के सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी। यहाँ देखें मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपने लिस्ट में मिला लिया होगा, अपना नाम भी चेक कर लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँ आपसे कि आपका जो कट ऑफ है, मैंने कट ऑफ आपको बताया था, पीएससी का अलग से आपको लगभग 18,000 वैकेंसी है। आपको मैं दिखा देता हूँ आपको पीएससी के लिए कितनी वैकेंसियाँ थी, आपने देखा भी होगा। फिर मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने आपको अभी यूपी पुलिस के लिए बताया 31,360 था सिविल के लिए, और 18,208 आपका था यहाँ पे कुल पीएससी के लिए। तो पीएससी का जो आपकी कट ऑफ है वो जनरल के लिए वो 180 था, ओबीसी के लिए 176, अनुसूचित के लिए 149 और अनुसूचित जनजाति के लिए 120, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने जो भी कुछ थे आपने मिला लिया होगा। 36 आरक्षण बहुत ही कम आया था, केवल जो लोग पास थे उनका उतने में उनका सिलेक्शन हो जाना है, ये तो फिक्स है। बट अभी हम बात करते हैं कि आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने जिनको बधाइयाँ दी थी, अभी जो लोग थोड़े नंबर से असफल रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अभी आपको जो इस बार है, जो पास किए हुए कैंडिडेट में है, पास हुए कैंडिडेट की बता दें, तो उनमें जो एक टॉपर है, टॉपर दो लोग, मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको सीधे सीधे न्यूज़ ही बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पुलिस एवं पीएससी के सिपाही 49,568 के सीधी भर्ती
अंतिम परिणाम आज जारी हो गया। बता दें आपको कि परीक्षा में 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, इसमें से 1,25,000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के बाद अगले चरण में पहुंचे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे जारी किए गए। पुरुष अभ्यर्थियों में गाजीपुर के गुलशन कुमार और महिलाओं में हरदोई की अंतिमा सिंह ने टॉप किया। वही बता दें आपको कि अंतिमा सिंह जो थी वो पिछली बार वैकेंसी के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाई थी, जो कि इस बार टॉप कर गई हैं। तो इसके हिसाब से मैं भरना बताना ये चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि आपने पॉइंट में या फिर 1-2 नंबर से आप पीछे हैं कट ऑफ से, तो इसमें आप बेफिक्र रहें, अगली वैकेंसी में आप ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ, महिला जो हरदोई की महिला है अंतिमा सिंह, वो पिछली बार वैकेंसी के जो फाइनल कट ऑफ था उसको क्रैक नहीं कर पाई थी, यानी उस बार उनमें नाम नहीं आ पाया था, तो और इस वैकेंसी में उन्होंने टॉप कर लिया है। तो इसी प्रकार से यदि आप भी मेहनत करते हैं, आप भी परिश्रम करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी फ्रेंड्स। सुझाव आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। कोई भी सवाल हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कब होने वाला है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फ्रेंड्स बहुत पहले नहीं कराया जाएगा, मेडिकल तभी कराया जाएगा जब आपको ज्वाइनिंग कराना होगा, ठीक है। यानी कि आपका अभी बता दें कि जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि 23,000 आपका जो है वो जुलाई 15 तक आपके खाली होने वाले हैं, ठीक है। 23,000 जो सीटें हैं उनको जुलाई 15 तक खाली होने वाले हैं, यानी कि जुलाई आपका आ जाएगा तब मेडिकल और सारा आपका ज्वाइनिंग कराते हुए, ठीक है। और जो लोग पॉइंट में कम हुए हैं, पॉइंट या 5 हो, पॉइंट 2 हो, पॉइंट कुछ भी हो, तो उन लोगों के लिए बताना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आप इसमें आपका जो सिविल के लिए था, सिविल पुलिस के लिए 31,360 सीटें, और यदि मैं बात कर लूँ पीएससी के लिए, पीएससी कांस्टेबल की बात कर लें, तो इसमें आपका था 18,208। अब फ्रेंड यदि इसमें 10% या 5% भी सीटें खाली जा रही हैं, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन में यदि आप फेल होते हैं, कैंडिडेट जो जो सिलेक्शन हुआ है जिनका लिस्ट में नाम आया है, तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि इसमें से अब यदि 10% ही मान लें तो 3,000 लग नियर अप्रॉक्स इसमें मान लेते हैं, और आपका लगभग 1,800 इसमें मान लेते हैं, ठीक है, लगभग 2,000 है। तो ये दोनों नियर अप्रॉक्स आपका 5,000 के करीब आपकी सीटें हो जाएगी। जो लोग इसके पीछे हैं तो फ्रेंड्स आप देख पाएंगे कि उनका कंफर्म है कि ये लोगों का सिलेक्शन के बाद आपके सेकेंड लिस्ट आएगी। यदि बात करते हैं पिछली वैकेंसियों की, तो 2015 में भी आपकी मेडिकल के बाद खाली हुई थी, 2018 में भी खाली हुई थी, और आपके जो अभी 41,520 वाली वैकेंसी थी 2018 की, उसमें भी आपके वैकेंसियों में आपके जो सीटें वो खाली जग गई थी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में भी आपकी सीटें खाली होगी, तो और सेकेंड आपकी चयन सूची जारी की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी दूसरी चयन सूची जारी की जाएगी, बट आपको जो पहले सूची में है उनका अभी ज्वाइनिंग की बात कर लें, जो पहली सूची में है उनका ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग उनका फ्रेंड्स जुलाई के पहले पहले होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको कुछ दिन पहले आपको न्यूज़ मिली थी, ऑफिशियल बताया गया था कि ये आपके जो मई में का महीना है, मई का, इसमें आपकी सीटें खाली हो जाती हैं, जो कौन से जो प्रशिक्षण सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी, जो प्रशिक्षण हैं वो उनका पास आउट हो जाएगा, तो फिर आपको प्रशिक्षण दिया जाने के लिए आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा प्रशिक्षण देने के लिए। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल नहीं बताया है कि क्या उनको अलग स्टेट में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कोई नई सूचना आती है तो आपको दे दिया जाएगा, मे बी आपको कहीं अदर स्टेट में भी भेजा जा सकता है, ठीक है, किसी अन्य स्टेट में भी आपको भेजा जा सकता है प्रशिक्षण के लिए, निसंदेह आपको भेजा जा सकता है। इसमें आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली वैकेंसी में आपको भेजा गया है, पीएससी के बहुत से आपके जो अभ्यर्थी हैं जो किसी अन्य स्टेट में जाकर के अपना जो प्रशिक्षण है उसको कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ही आपका प्रशिक्षण केंद्र खाली हो जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के तुरंत बाद आपका ज्वाइनिंग कराना एक तय है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको बता दें कि अभी 18,000 कि जो पीएससी आपका था उसका जो ट्रेनिंग अभी है, उसका प्रशिक्षण अभी चल रहा है, उसका प्रशिक्षण आपका जुलाई आपका दिसंबर से स्टार्ट होगा है और जुलाई तक उसका चलेगा, तो वो भी सीटें आपकी खाली होंगी। तो मे बी फ्रेंड्स आपके जुलाई में आपका सिलेक्शन होगा, बट अभी सभी लोगों का ट्रेनिंग नहीं करा जा सकता, तो कुछ लोगों का ट्रेनिंग आपका जुलाई में होगा और कुछ लोग जो बचे हुए रहेंगे उनका फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक तक आपका कराया जाएगा, ठीक है, फरवरी 2021 तक। तो उनको फरवरी 2021 तक कुछ लोगों को पीएससी कैंडिडेट वालों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। और ये बात करते हैं सिविल पुलिस के लिए, तो सिविल पुलिस का उम्मीद मतलब एक मैं अभी कंफर्म कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं कर रहा हूँ, बट आपका जुलाई में सिविल पुलिस वालों का आपका जो है वो ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा।
कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, चैनल कुछ भी कहना चाहते हो तो अपने कमेंट्स जरूर बताएं फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी अपना सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप कहना मत भूलिएगा। अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो, छोटा हो, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।